आखिर क्यों रोने लगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? क्या हुआ था उनकी बहन की शादी में? सोशल मीडिया पर क्यों हो रहा है बहुत तेजी से यह वीडियो वायरल? देखिए यह खबर। बड़ी बड़ी चीजें हैं भैया, हम आज भी वही हैं। कथा से हमें दक्षिणा मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हमने अपनी बहन के विवाह में जो ठोकर खाई थी, हम बाहर खड़े थे, छोटा सा मकान था, जब बहन की शादी हुई तो नाम लिखने वाला जो पहले दीवार पे लेखन होता था, शुभ लाभ लिखते थे, कन्या का नाम और वर का नाम लिखते थे, उसने 250 रुपया मंगाए थे। और जब हमारे पास 250 रुपया नहीं थे, तब हमने कपड़ों में डालने वाली नील खरीदी 7 रुपया की, उसको घोलकर लकड़ी का कूचे का ब्रश बनाकर और गांव के एक व्यक्ति से लिखवाया, हम सामने खड़े थे। उसी दिन हमने प्रण लिया था कि जिस प्रकार हमने अपनी बहन के लिए विवाह के लिए दर दर ठोकरें खाई, कभी भगवान हमको सामर्थ्यवान बनाएगा तो हमारी तरह अब किसी भाई को रोना नहीं पड़ेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रदेश की न्यूज। अपने फोन पर सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रदेश की न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।